रहता का उल्टा चश्मा। ये मैं क्या देख रहा हूँ? दिन दहाड़े मेरे गोडाउन में चोरी। अरे बाघा कहाँ चला गया? उसको पता है मगन आज छुट्टी पे, फिर भी गोडाउन खुला छोड़ के गया। आज तो अच्छा फायदा हो गया है। हाँ, बहुत दिनों बाद इतना सारा माल हाथ लगाए। अरे जल्दी कर, सारा सामान टेम्पो में डाल, सेठ आए इससे पहले अपने को निकलना है। ओहो, इतनी प्लानिंग, टेम्पो वेम्पो लेके आए। लेकिन बेटो, तुम्हारा पाला एक अच्छी माड़ू से पड़ा है, अभी देखो मैं क्या करता हूँ। अभी फटाफट पुलिस को बुला लेता हूँ। अरे ये शटर किसने बंद किया? मैंने। अरे कौन हो तुम? अरे वो छोड़ा, इतने हट्टे घट्टे होते हुए ऐसा काम करते हुए शर्म नहीं आती? अरे शर्म किस बात की, ये तो हमारा पुश्तैनी धंधा है। पुश्तैनी? पुश्तैनी मतलब मेरे बाप दादा भी यही धंधा करते थे। अरे पुश्तैनी का मतलब मुझे पता है, मुझे मत समझाओ। हाँ तो ये शटर खोलो, हमें जाने दो यहाँ से। अरे बेटा ये शटर तो अभी तभी खुलेगा जब ससुर जी आएंगे और तुम्हें पकड़ के ले जाके ससुराल में बंद कर देंगे। अरे ससुराल नहीं जाना है, वहीं से भाग कर आया हूँ, उन्हें मेरा ये धंधा पसंद नहीं है। ये सब पहले सोचना चाहिए था। अरे लेकिन आप हो कौन? मेरा ससुर जी के दोस्त? हाँ। अरे कौन से वाले, नाम क्या है? अरे चुप। हेलो। हाँ कौन? पुलिस। अरे भाई पुलिस स्टेशन में फोन लगाया था, आप पुलिस ही होंगे ना? मैं ये पूछ रहा था कि आपका नाम क्या है, कौन बोल रहे हैं आप? पुलिस को नाम पूछने वाले तुम कौन हो? भाई मैं जठालाल चंपकलाल गड़ा बोल रहा हूँ, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक। ओ चालू जी, पांडे जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त है, उनको फोन दीजिए, वो तो मेरा नाम सुन के उछल पड़ेंगे। जठालाल, तुम्हारे नाम में ऐसा क्या है कि मैं मेढक की तरह उछलने लगूंगा? नहीं 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 चालू जी, पांडे जी आप मेंढक नहीं, आप तो शेर है, शेर। हाँ इट्स ओके, पॉइंट पर फोन क्यों किया? जी जी चालू जी, पांडे जी दरअसल क्या है, ये क्या है, तुमने मुझे संगीत सुनाने के लिए फोन किया है? नहीं नहीं चालू पांडे जी, ये संगीत नहीं बज रहा, ये तो मेरे गोडाउन का शटर बज रहा है। क्या? हाँ क्या हुआ, थोड़ी देर पहले मैं गोडाउन पहुंचा तो क्या देखता हूँ, दो चोर मेरे गोडाउन में चोरी कर रहे, इसलिए मैं दौड़ के बाहर आ गया और फटाक से शटर बंद कर दिया। अभी क्या दोनों अंदर बंद हो गए हैं ना, तो बाहर आने के लिए शटर खखड़ा रहे। क्या? खटखटा रहे। क्या? लगता है दोनों चोर म्यूजिकली इंक्लाइंड है। है? अरे भाई चोरों को ऐसे रिदम में शटर बजाते हुए पहली बार सुन रहा हूँ जेठालाल, पक्का वो चोर है ना, कोई गड़बड़ तो नहीं है ना? नहीं नहीं। अरे क्या नहीं, चोर ऐसे थोड़ी ना कोई रिदम में खटखटाता है। नहीं नहीं मैं आपको समझाता हूँ क्या हुआ, पहले उन लोगों ने अंदर से दो बार शटर खटखटाया, खोलो खोलो। ओके। तो बाहर से मैंने गुस्से में एक बार वो शटर खटखटाया, नहीं खोलूंगा। ऐसा क्या दो तीन बार हुआ, खोलो खोलो नहीं खोलूंगा, खोलो खोलो नहीं खोलूंगा, तो आपका वो संगीत जैसा लगा। आप समझा। हाँ, अभी चालू जी पांडे जी जल्दी आप यहाँ आइए और उनको पकड़ लीजिए। हाँ हाँ जेठालाल मैं तुरंत वहाँ पहुँच रहा हूँ, तुम शटर को बंद ही रखना। थैंक यू थैंक यू। पाटिल सर, मुझे चार राइफलदारी हवलदार चाहिए, केस में मुझे कोई भी लूपहोल नहीं छोड़ना है, इन मुजरिमों को मुझे पकड़ना है और कड़ी से कड़ी सजा दिलवानी है। आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट टाइम ऑन पेट। मूव मूव थाने शिंदे कामड़े मोरे चला लोकर। सेठ जी क्या हुआ, अब गोडाउन के बाहर क्यों खड़े हैं, और ये शटर बंद किसने किया? मैंने। क्यों? अरे क्यों क्या, अगर मैं गोडाउन बंद नहीं करता तो हम बर्बाद हो गए होते। सेठ जी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं,
अरे ऐसा क्यों कह रहे हो आड़ी, जब तुझे पता है कि आज मगन छुट्टी पे, तो गोडाउन खुला छोड़ के तू कहाँ चला गया था? वो सेठ जी, दरअसल बावरी जी की मौसी जी की बेटी के बेटे का झुनझुना चोरी हो गया था। वो बहुत रो रहा था, शांति नहीं हो रहा था, तो बावरी जी ने एक मस्त आइडिया लगाया। उन्होंने मुझे कॉन कॉल किया और कहा, बागेश्वर जी अब खाली हंसी है। क्यों? वो मेरी हंसी की आवाज झुनझुने जैसी है ना। तो मेरी हंसी सुनकर बच्चे ने रोना बंद कर दिया और फिर शांति से सो गया। वो जैसे ही सोया मैं तुरंत यहाँ आ गया। अरे वो बच्चा तो सो गया, लेकिन मैं यहाँ हमेशा हमेशा के लिए उठ जाता। ये क्या बोल रहे हैं आप? वो तो अच्छा है कि मैं टाइम पे आ गया, वरना अंदर जो दो चोर है ना, वो गोडाउन का सारा माल लेके उड़न छू हो गए होते। क्या, अंदर दो चोर है? तो सेठ जी वो कैसे दिखते हैं? कैसे दिखते हैं मतलब? नहीं मतलब उसमें से एक थोड़ा मोटा है, हाँ दाढ़ी है। हाँ रे सेठ जी, वो चोर नहीं, कमलेश और उसका असिस्टेंट है। कौन कमलेश? अरे भंगार वाला। मैंने उसे फोन करके भंगार ले जाने के लिए बुलाया था। क्या